टीवी लाइव, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों की। स्वर्णकार समाज के बनाए गए जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार सोनी। उत्तर प्रदेश के स्वर्णकार संघ का प्रदेश मंत्री अम्बेडकर नगर जनपद के जलालपुर के शत्रुघ्न सोनी को तथा अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला महामंत्री कृष्ण कुमार सोनी को जनपद अम्बेडकर नगर का जिला अध्यक्ष वाराणसी के मैदागिन में आयोजित उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के मनोनयन संगठन विस्तार एवं सम्मान समारोह में आयोजित कार्यक्रम में विधिवत माला पहनाकर स्वागत करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण शेठ ने नियुक्त पत्र सौंपा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि वे स्वर्णकार समाज के लिए क्षेत्र में बेहतर कार्य करेंगे। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे मिर्जापुर के एडीएम अमरेंद्र कुमार वर्मा व विशिष्ट अतिथि आयुक्त पी के वर्मा ने शासन की योजनाओं के संबंध में जानकारी देते हुए स्वर्णकार समाज की एकजुटता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा बल है अनेकता में एकता होना। एकजुट रहे, संगठित रह कर देश व समाज का कार्य करें। सम्मान समारोह में नवनियुक्ति जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार सोनी ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट की। कहा कि सराफा के साथ अन्य व्यवसाय में सुरक्षा कारोबार में आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर जिले में आयोजित उद्योग बंधुओं के बैठकों में जाना चाहिए, अपनी विभिन्न समस्याओं को रखना चाहिए जिससे हमारी पीड़ा को अधिकारी भी जान समझ सके। उन्होंने कहा हम सब स्वजातीय बंधुओं के सुख दुख में शामिल होकर उनकी समस्याओं को समझते हुए उसका निराकरण कराने में मददगार बने हैं। इस अवसर पर टांडा के स्वर्णकार बंधुओं ने विपिन सोनी, छिन्नू सोनी, ओम शंकर सोनी, राजेश सोनी, उमेश सोनी आदि कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए नव नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी। अम्बेडकर नगर से ब्यूरो चीफ दिलीप सोनी की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं इंडिया आज तक। इस समय मैं टांडा चौक में हूँ और मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ के स्वर्णकार समाज के जिला अध्यक्ष जो नए बनाए गए हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि आप स्वर्णकार समाज के लिए हित के लिए क्या उद्देश्य देना चाहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ का जिला अध्यक्ष, कल मनोनयन मेरा हुआ है वाराणसी शहर में और वहाँ पे हमारे प्रदेश मंत्री श्री सत्यनारायण सेठ जी ने हमको शपथ ग्रहण कराया है और उस कार्यक्रम में आजमगढ़ आयुक्त और एडीएम मिर्जापुर भी मौजूद रहे और आपके सानिध्य में मैंने काम करने का जो निश्चय लिया है, हमको जो जिम्मेदारी दी गई है उसका मैं निर्वहन अपने पूरे निष्ठा के साथ करूंगा। पूरे जिले में सर्वप्रथम मेरी प्राथमिकता होगी तमाम सारे जो ब्लॉक हैं, तहसील हैं, वहाँ पे अपने संगठन का मैं विस्तार करूँ, वहाँ पे अध्यक्ष महामंत्री और सारे संगठन बनाऊँ। दूसरा उद्देश्य है कि सारा समाज इकट्ठा हो, अपने अपने क्षेत्र में हर लोग इकट्ठा हो और राष्ट्र हित में सभी लोग इकट्ठा होकर काम करें और सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। स्वर्णकार समाज भी आज जागृत हो रहा है अपने अधिकारों के लिए और आगे चल के हम अपने अधिकार लेने के लिए जब इकट्ठा होंगे तो आगे अधिकार लेंगे और चुनाव में सहभागिता लेंगे और अपने समाज के रक्षा अपने माध्यम से करेंगे। इस संदर्भ में व्यापारी प्रकोष्ठ की जो बैठक होती है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक होती है सरकार द्वारा, उन सब चीज़ों में मैं बढ़ चढ़ के अपने समाज को उनका हक दिलाऊंगा, उनके साथ कोई घटना ना हो, यदि घटना है तो उसका खुलासा हो, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि वो हो और वो तभी होगा जब हम संगठित होंगे और हमारा स्वर्णकार समाज। इसके लिए मैं निश्चित तौर पे ये कहना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में जो हमारा संगठन बना है कल, वो अम्बेडकर नगर सबसे सशक्त और मजबूत संगठन होगा क्योंकि हम और भी संगठन में कार्य कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम है और हम उसको साथ में लेके अपने स्वर्णकार संघ के इस बड़े महाअभियान को आगे बढ़ाएंगे। जो स्वर्णकार समाज में अभी कुछ गरीब और असहाय हैं, उसपे सर आप क्या कहना चाहते हैं? जो गरीब हैं उनके लिए